अंदर अंदर देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव की बेला में है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय समिति से लेकर शीर्ष स्तर तक की सारी तैयारियों में लगी हुई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सब ने अनुभव किया होगा, पिछले 30 तारीख को इंदौर में हमारी संभागीय बैठक हुई, फिर वहाँ पर संभागीय बूथ समितियों का सम्मेलन भी संपन्न हुआ और एक तौर से चुनाव के अभियान की शुरुआत हो गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारी संभागीय समितियों की बैठक है, जिसमें सभी संभागों की बैठक हो गई है। ग्वालियर की आज अंतिम है, तो इस बैठक में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिनको नीचे बूथ तक कार्यक्रमों की चालना देना है, उन सब लोगों को बुलाया है और आज आगे का रोड मैप उनके साथ डिस्कस करेंगे। और आज दोपहर को दो विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन है, अम्बा और दिमनी का, तो मैं और माननीय भूपेंद्र यादव जी हम दोनों लोग उसमें भी जा रहे हैं, शाम को आकर बैठक में रहेंगे। और आज ये बैठक संपन्न होने के बाद नीचे तक का रोड मैप सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा और काम शुरू होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैं मध्य प्रदेश भर में घूम रहा हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं को बहुत समर्थन मिल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी इस बार 2023 में अच्छा बहुमत लेके सरकार बनाने में सफल। देखिए, दरअसल क्या है, राहुल गांधी को कांग्रेस ने अनेक बार कपड़े बदल बदल के नई स्वरूपों में जनता के सामने पेश किया, लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई और आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक न्यायालय के निर्णय का सवाल है, न्यायालय ने उनकी सज़ा को स्टे किया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला है उस पर अभी न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए इसमें जीत और हार के प्रश्न की तरह नहीं देखना चाहिए।